हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो देखिए, झारखंड में जो है शिक्षक नियुक्ति की नई अपडेट जारी हो चुकी है, जिसमें कि यहाँ पे अपडेट जारी हुआ है। झारखंड हाई स्कूल की तरफ से नई वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जिसमें स्टार्टिंग जो डेट है मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे अप्लाई, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे अप्लाई, विज्ञापन जारी हो चुका है और इसमें सारी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो फाइनली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बार चैनल पर विजिट करें और सब्सक्राइब चैनल पर सभी लिखे फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए, झारखंड में जो है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में जो है जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो प्रमोशन के थ्रू होने वाला है। यानी कि बताया जा रहा है कि राज्य के हाई स्कूलों में प्रोन्नति से भरे जाएंगे पद। कौन सा पद? तो प्रधानाध्यापकों के जो भी पद है वो हाई स्कूल में जो है प्रमोशन के थ्रू आपका भरे जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपका जो है सिलेक्शन प्रमोशन के थ्रू ही होने वाला है। फाइनली यही बताया गया है कि झारखंड सरकारी हाई स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाध्यापकों के पद जो है प्रोन्नति से भरे जाएंगे। अभी जो है 1663 हाई स्कूलों में जो है मात्र 37 ही स्थायी प्रधानाध्यापक है, जिसमें कि बताया जा रहा है 1626 हाई स्कूलों के जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे संचालित की जा रही है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कि हाई स्कूलों में वैसे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की है, उनकी सर्विस बुक, पिछले 5 साल के काम की स्थिति और उनके क्रियाकलाप की रिपोर्ट देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक की प्रमोति की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। झारखंड राज्य गठन के बाद हाई स्कूल के शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है, जिसमें कि 1995 के बाद किसी को प्रोन्नति नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि जो शिक्षक 1995 के बाद अपनी सेवा 12 साल दे चुके हैं वे भी वरीय वेतनमान, और जो शिक्षक के 24 साल की सेवा दे चुके हैं वो प्रवरण वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। इसलिए यहाँ पे देखिए है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापकों के पदों का सृजन जो है वो मंत्री ने बुलाई है बैठक, उसमें होने वाली है। और बताया जा रहा है कि 1663 हाई स्कूलों में सिर्फ 37 ही जो है अस्थायी प्रधानाध्यापक हैं, बाकी जो है प्रभारी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि झारखंड के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पद का सृजन होगा। इसको लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारी की बैठक बुलाई है। राज्य के करीब 14,000 मिडिल स्कूल, जिनमें मात्र 3,400 मिडिल स्कूल में ही प्रधानाध्यापक के पद सृजित है, जबकि 100 से भी कम स्कूल में अस्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक स्कूलों से मिडिल स्कूलों में स्कूल तो अपग्रेड हो गए हैं, लेकिन राज्य बनने के बाद प्रधानाध्यापक के पद आज तक सृजित नहीं हुए हैं। हाल ही में स्कूलों में शिक्षकों के 3-3 पद सृजित जरूरी है। शिक्षा मंत्री की बैठक में स्कूल को प्रस्वीकृति और सहायक अध्यापक यानी कि पैरा टीचर से जुड़ी समस्याओं का भी समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है इसमें पारा शिक्षक की वेतन विसंगति, अनुकंपा पर नौकरी आकलन, परीक्षा भी जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है उसका जो है समाधान करने वाले हैं। तो फाइनली जो है हमारे जो भी हाई स्कूल जितने भी हैं उसमें जो है प्रोन्नति के द्वारा भरे जाएंगे, ऐसे आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोन्नति के द्वारा ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो फाइनली सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने क्लियर कर दिया है, और अभी तक कोई भी अपडेट जेटेट को लेकर, सीटेट को लेकर, और यहाँ पे देखिए हाई स्कूल और यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी होती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार चैनल पे विजिट करें, दूसरे सर्वेशन में प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराती हूँ।